नमस्कार, मैं नवनाथ मल्लारी कसपटे, मुक्काम पोस्ट गोरमाले, तालुका बारसी, जिला सोलापुर से बोल रहा हूँ। NMK1 गोल्डन का मैं निर्माता हूँ और ये कटिंग के बारे में आपको जानकारी के लिए हम यहाँ लाया है। और ये कटिंग कहाँ से और कैसे करने का है, तो ये कटिंग ऐसा तो 15 मई के बाद करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बरसात तो बीच में भी आ सकती है, धूप में भी बरसात कभी कभी आ सकती है। उसी वक्त क्या होता है, ये स्प्राउटिंग होता है, ऐसा पत्ते आते हैं, उसी वक्त वो पत्ते जो आते ये लास्ट में आते हैं, ऐसा पीछे से नहीं आते। और आप कटिंग करके रखेंगे तो पीछे का भी स्प्राउटिंग होगा, पीछे से भी पत्ते आएंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ से आप क्या, यहाँ से आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से पत्ते आएंगे। और यहाँ से आप फ्रूट लेना चाहिए तो फ्रूट कैसा मिलेगा, यहाँ से फ्लावरिंग आएगा, फ्लावरिंग आया तो फ्रूट नहीं फिर मिलेगा, वो धूप में फ्लावरिंग आया तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होता है, गिर जाता है। इसलिए ये ऐसा ही रखना, जब धूप में बरसात होती है उसी वक्त यहाँ पत्ते आते हैं, ऐसे पत्ते आते हैं ऊपर से, और ये पत्ते निकला तो भी कुछ आपका नहीं बिगड़ता। तो यहाँ से आप कटिंग करते हैं और पीछे का ऐसा ही रहता है, ये डॉर्मेंसी में रहता है। तो इसलिए आप 15 मई के बाद कटिंग करो, और इसके बाद जून में बरसात होती है तो उसी वक्त बरसात होने के बाद यहाँ से पत्ते और फ्लावरिंग आता है और आराम से आपको फ्रूट मिलता है। और ये कटिंग करना, कहाँ से कटिंग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, बहुत पीछे से कटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करने का। इसलिए हमने देखने के लिए ये पेंसिल लाई है, ये पेंसिल साइज यहाँ रहना चाहिए, पेड़ पर रहना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बाब है। ये पेंसिल साइज का रखा है, ये देखो, ये ऐसा ये पेंसिल साइज का पीछे पीछे रहता है, ऐसा ये जो लंबाई का कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी लंबाई देखो कितनी है, इसकी कितनी है, लंबाई का कुछ नहीं, लेकिन इसका जो जाड़ी बोलते हैं ये साइज बराबर होना चाहिए, तो इसे फ्रूट अच्छा मिलता है। और यहाँ से निकलेंगे तो भी फ्रूट नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ ऐसा भी रखेंगे तो क्या, यहाँ से छोटे छोटे फूल मिलते हैं और फ्रूट भी छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए इतना छोटा भी नहीं रखना चाहिए, ये निकलना चाहिए ऐसा, ये देखो ऐसा, यहाँ से फ्रूट भी अच्छा मिलेगा, फ्लावर भी अच्छा मिलेगा। इसलिए आप ये छोटा छोटा निकल दो, रिपीट साइज का पूरा निकाल दो और पेंसिल साइज का रहना चाहिए उतना ही, ये देखो लंबाई कितनी रहती है, इसके ऊपर कुछ नहीं गिरे, वो इसकी जाड़ी क्या होता है, इसके ऊपर होता है, लंबाई का कुछ ध्यान में नहीं रखने की जरूरत। ये देखो ये कैसा पत्ते आते हैं, लास्ट में पत्ते आते, पीछे नहीं आते, लेकिन ये यहाँ से कटिंग किया तो पीछे भी आएंगे ना, और पीछे आपको फ्रूट लेने का है, फिर फ्लावरिंग फ्रूट लेने का है। ये 2 साल का पेड़ है और ये पहली कटिंग है, वो 15 मई के बाद शुरू की है, ऐसा सोचो आप। ये देखो कटिंग तो हो रही है, और पहला बरसात होने के बाद जून का अच्छी तरह से बरसात होने के बाद आप इसके बाद जब गैप होता है बरसात में उसी वक्त पानी देना चाहिए और वहाँ से फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेना चाहिए। धूप में जब फ्लावरिंग आता है या बरसात होती है उसी वक्त फिर पानी नहीं देने का, ऐसा ही रखने का, बीच में कभी भी पानी नहीं देने का, जून क्या बरसात होने के बाद ही गैप हो तो पानी देने का। धूप में जो बरसात होती है उसे अवकाली बरसात भी बोलते हैं।
और इसका थोड़ा असर होता है, इसलिए पहला कटिंग नहीं करने का इतना ही बताया है मैंने। और 15 मई के बाद बरसात हो तो चलती है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धूप में जो बरसात होती है उसी वक्त फ्लावरिंग आता है, बराबर है, पत्ते आते हैं, फ्लावरिंग आता है, और फिर आप पानी देंगे तो क्या होगा, फ्लावरिंग आएगा लेकिन सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि सेटिंग के लिए 30 के बीच में टेम्परेचर चाहिए, 30 के बीच में टेम्परेचर चाहिए और 60 के आगे ह्यूमिडिटी चाहिए, ऐसा उसी वक्त नहीं मिलेगा, ये 2-4 दिन मिलेगा बरसात हो तो, लेकिन इसके बाद नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं करने का, धूप में इसका बाहर नहीं लेने का, ये जून में, जून के बाद ही बाहर इसका लेने का जून में, और इसके लिए 15 मई के बाद प्रूनिंग होना, कटिंग होना, हो गई प्रूनिंग, ये आपको दिखाने के लिए किया है ये सब। धूप में जब बारिश होती है उसी वक्त ऐसा स्प्राउटिंग होता है, ऐसे पत्ते आते हैं, फ्लावरिंग भी आता है, और आप कटिंग नहीं किया है ना, नहीं किया तो क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये आगे पत्ते आ गए, पीछे ऐसा ही रहा है, और आपको फ्रूट लेने का है तो यहाँ लेने का है ना, ये तो निकल देने का है फिर ऐसा, और यहाँ से पत्ते नहीं आए, इसका मतलब यहाँ आपको फ्लावरिंग भी मिलेगा और फ्रूट भी मिलेगा, ये सोचो आप, इसलिए जल्दी कटिंग नहीं करने का, 15 मई के बाद करने का। और साइज़ तो मैं बोला ये पेंसिल साइज़ का रखना चाहिए ये पेड़ पे, ये इधर से नहीं कभी प्रूनिंग करने का, कई लोग ऐसे गलत काम करते हैं, गलती से होता है, लेकिन ये गलती से आपको गलत नहीं होने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, अभी आप कभी गलत नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, इसलिए ये किया है। ये देखो, ये पूरा हरा हो गया है, और आप पीछे से आप निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये छोटा है तो ये भी निकल जाएगा, ये देखो, ऐसा, और जो जो पीछे रहता है कहीं कहीं ये ऐसा निकलना चाहिए, फिर ये जो रहता है वो निकलना चाहिए, फिर पत्ते पेड़ पे नहीं रहना चाहिए कटिंग के टाइम, पूरे पत्ते निकलना, ये भी ध्यान में रखो, होता है थोड़ा इधर उधर, लेकिन पत्ते पूरा निकलने का, या ऐसा कटिंग करना, थोड़ा कट करा।